बाबर आजम से पावर प्ले में रन बनते नहीं, दोस्ती यारी में टीम का सिलेक्शन करते हैं, जिनको वो ना पसंद करते हैं उनको वो मौके देते नहीं, और उसके बाद जब झंडू झंडू टीमों के सामने उनकी हार होती है तो कप्तान के तौर पर दोष लेने की जगह सारा दोष जो है वो अपने गेंदबाजों पर या पिच पर उड़ेल देते हैं। ऐसे में हमारा सवाल ये है कि वो बाबर आजम जिन्होंने पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से हरवाया, वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के सामने पहली बार हार का स्वाद चखाया, न्यूजीलैंड की सी डी या कहें कि टॉप 15 फेवरेट खिलाड़ियों की टीम के बगैर उतरी टीम के सामने दो दो मैच में हार दिलवाई और अब आयरलैंड के सामने हार का स्वाद चखवाया, क्या वो वाकई में कैप्टन मटेरियल है? उन्हें कैप्टन बने रहने का हक है या बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटा देना चाहिए? वैसे बाबर आजम फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं, वो हड्डी जिसे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उगल सकता है ना निगल सकता। उगलेगा तो फिर सवाल होगा कि भैया हटाया तो था यही सब देख के और फिर वापस बिठा दिया, तो इसके पीछे लॉजिक क्या था, तो हटाया क्यों? और अगर अब हटाना है तो फिर सवाल उठ जाएगा कि भैया ले क्यों आए, कौन लेकर आया था? मतलब मेरी नजर में सार के लिए सीधे सीधे कोई जिम्मेदार है तो बाबर आजम है, उसका रीजन है। बाबर आजम पावर प्ले में 19 बॉल में 13 बॉल जो है वो डॉट बॉल खेलते हैं। ये तो भला हो इफ्तकार चिचा का जिन्होंने आखिर में 15 बॉल पे 37 रन मारकर 182 बना दिया, अदरवाइज पाकिस्तान का स्कोर तो बड़ा खराब चल रहा था। आप देखो ना बीच में एकदम ठाए ठाए ठुस थे। लेकिन बाबर आजम से जब पूछा गया पोस्ट मैच कि भाई साहब आपका इस पर थॉट क्या है, तो उन्होंने कहा यार पिच जो है ना शुरू में बड़ी ड्यूअल तरीके से रिएक्ट करती। वो ये नहीं बता रहे थे कि मैंने 43 बॉल पर 57 बनाए। अच्छा एक और चीज जो मुझे हैरान कर रही थी वो ये कि इमाद वसीम को उन्होंने बैटिंग ही नहीं करवाई, इमाद वसीम के ऊपर शाहीन शाफरीदी तक को बल्लेबाजी करवा दी। आई मीन ठीक है शाहीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो अच्छा खेल कर गए, बट इमाद वसीम वही खिलाड़ी है जिन्होंने बाबर आजम की पेशावर जलमी को बाहर करवाया था। और क्या एक साथ टीम में, अब फिर से यह सवाल उठना चाहिए कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जगह बनती है? आपने उस्मान खान को बाहर बिठा रखा है जो बर्थडे बॉय था, आपने मोहम्मद हैरिस का सिलेक्शन नहीं किया और बहुत सारे प्लेयर हैं पाकिस्तान के जिनका सिलेक्शन हो सकता था बट आपने उनका सिलेक्शन नहीं किया क्योंकि आप चाहते थे आप खेले आपके दोस्त खेले। और बाबर के आने के बाद पाकिस्तान की टीम फिर से मीडियोकर बन गई है। मतलब किसी भी प्लेयर को आप देखते हो कि यार आपने कितने मैचेस हरवाए। बाबर ने पाकिस्तान के इतिहास की सबसे शर्मनाक हारों में पाकिस्तान का नाम शुमार करवा दिया, उसके बाद भी कप्तान बने हुए। आई मीन आयरलैंड से आप कैसे हार सकते हो यार, आप कैसे हार सकते हो? आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, आपके पास सतुर्रम खाओ की पूरी फेहरिस्त है यार। यू हैव प्लेयर लाइक इमाद वसीम, यू हैव प्लेयर लाइक शाहीन शफरीदी, यू हैव प्लेयर लाइक नसीम शाह, शदाब खान, सैम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, लेकिन आपने क्योंकि टीम का माहौल इतना खराब कर रखा है कि आपकी टीम जो है वो बिल्कुल ठुस हो गई है। और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आपकी टीम आए दिन रगड़ा हो रही है। लास्ट टाइम 2007 में आयरलैंड ने पाकिस्तान को रगड़ा था ओडीआई वर्ल्ड कप में, अब फिर रगड़ने वाले। बट बाबर ह्यूमिलेशन के इंतहा को पार कर चुके हैं, वो खुद तो नंबर वन बल्लेबाज हैं ही, अब पाकिस्तान को भी ओवररेटेड टीम बना रहे हैं। उनकी जो वर्ल्ड क्लास ट्रायो जिसे वो कहते थे यार, आयरलैंड से आप कैसे हार सकते हो यार? अगर आपका आयरलैंड के सामने यह हाल है तो अभी इंग्लैंड से आपकी सीरीज होगी, वहां तो आप बिल्कुल ठाए ठुस हो जाओगे। आई मीन दैट सीरियसली दैट सम सीरियस क्वेश्चन कि आप क्या इस तरह से क्रिकेट खेलोगे? क्या ये पाकिस्तान का स्टाइल ऑफ क्रिकेट है? दैट्स वेरी सैड। आयरलैंड का ये दूसरा T20 मैच था और इस मैच में आयरलैंड या तो बहुत आगे बढ़ गया है या वो खुद एकदम खत्म हो गए। आई मीन इट्स वेरी सीरियस। आप बॉलिंग में भी इफ्तकार से या सैम अयूब से बॉलिंग नहीं करा पाए, आप अपने गेंदबाजों को अपने रिसोर्सेज को यूज ही नहीं करते हो, आपको यूज करना नहीं आता है और इस वजह से आप मैच हार रहे हो। बट ये ह्यूमिलेशन पाकिस्तान कहां तक झेलेगा, अब ये बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन हो गया है पाकिस्तानियों के लिए। मतलब पूरे पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि यार हमारी लाइफ का ये वर्स्ट डे है, इससे ज्यादा गया गुजरा दिन क्या देखेंगे, इससे ज्यादा गंदी हार क्या होगी, इससे ज्यादा शर्मनाक दिन क्या होगा। मतलब आयरलैंड की हाई क्वालिटी प्रोडक्शन को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे कि यार वहां पर बड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल टाइप की वीडियो क्वालिटी निकल कर आई थी। अब तो आयरलैंड वाले कह रहे हैं यार हमारी तो क्वालिटी खराब है, तुम्हारी तो यार टीम ही खराब है।
कैसी टीम लेकर आए यार, मतलब बैक टू बैक हार रहे हो, मजाक उड़ रहा है यार। नेपाल वाले कह रहे हैं कि यार हमारे साथ एक सीरीज करवा दो, हम भी इन्हें पीट देंगे। जिम्बाब्वे वाले कह रहे हैं हमारे पास फिर से भेज दो, बांग्लादेश छोड़कर हम इनके साथ खेलेंगे। बट बाबर आजम एज ए कैप्टन काफी डिसअपॉइंटिंग रहे, और अब ये धीरे धीरे सवाल उठेगा कि यार बड़े प्लेयर से मतलब नहीं होता है, मेन होता है कप्तान अगर तगड़ा है और सबको साथ लेकर चल रहा है तो फिर वो मैचेस जिता सकता है, जो बाबर आजम नहीं कर पा रहे हैं। अब आप लाख पाकिस्तान की आर्मी को ले आइए, ट्रेनिंग करवाइए, ईंटा ढोवाइए, आप एक तो राइट सिलेक्शन आप नहीं करेंगे और दूसरा आप अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस भी नहीं लेंगे तो वो खराब खेलेंगे। शादाब खान को देखो यार, पीएसएल में क्या बढ़िया कर रहे थे, यहां आए एकदम चौपट हो गए, 54 रन पिटे भाई साहब। वो इमाद का कॉन्फिडेंस अच्छा है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, तो आप उसको गिराओगे अगले मैच में, आप इमाद को ही बाहर करोगे क्योंकि आप रोटेशन का नाम लोगे। एक वो हमारा आजम खान, वो तो बेचारा इंटरनेशनल लेवल चल ही नहीं रहा है। बट ओवरऑल इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। क्या बाबर आजम को वाकई में T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन होना चाहिए? व्हाट्स योर टेक? रिमूव कर दे।